कहते हैं कभी कभी सत्ता पक्ष के अलावा विपक्ष की भी जरूरत पड़ती है, उसी का नजारा देखने को मिला है हैसी जयचंद्र में। आपको बता दें कि हैसी जयचंद्र गांव में भाजपा नेता कुंदन सिंह व बसपा नेता मोहम्मद आरिफ की मौजूदगी में आपसी सुलह समझौते से रास्ते का विवाद हल हुआ। आपको बता दें कि तीनों पक्ष रास्ते के निर्माण के लिए राजी हो गए, जिसमें दो पक्ष को रास्ता मिलेगा और एक पक्ष अपनी जमीन से रास्ता देगा। सारा विवाद हल हो गया, मौके पर सीओ रानीगंज मौजूद रहे। अभिषेक जी, पूरा मामला क्या है बताइए। पूरा मामला यह था कि प्रतापगढ़ जिले के मानधाता थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले हैसी जयचंद्र गांव में 2012 में मनरेगा के तहत एक रास्ते का निर्माण किया गया था, जिसमें महारानी दीन सरोज के घर तक और यहां पक्की सड़क से रास्ते का निर्माण हुआ था। उसी पर विधायक निधि के तहत सड़क का निर्माण हो रहा था, जिसमें कल कुछ विवाद हो गया। जिसके जमीन से रास्ता निकल रहा था, उन्होंने रास्ता देने के लिए मना कर दिया। दरअसल बात यह थी कि जो महारानी दीन थे, वो केवल व्यक्तिगत रूप से अपने लिए रास्ता चाहते थे, जबकि जो पक्ष रास्ता दे रहा था, उनका साफ साफ यह कहना था कि अगर पूरे गांव के लोग इससे लाभ पाएंगे तभी हम रास्ता देंगे। इसी में विवाद बढ़ता हुआ देख यहां पे हिंदू मुसलमान होने की भी दंगा होने की भी संभावना को देखते हुए भाजपा नेता कुंदन सिंह व बसपा नेता आरिफ पहुंचे और आपसी सुलह समझौते से रास्ते का निर्माण करवाया गया। जी, रास्ते का मामला कब से रुका हुआ था? रास्ते का मामला सर मनरेगा के तहत पूर्व में रास्ता बनाया गया था, उसके बाद विधायक निधि से 8 लाख रुपए की लागत से इंटरलॉकिंग का काम हो रहा था। रास्ता यहां पूर्व में ही था, सुलह समझौता के तहत रास्ता निकला था, लेकिन जिसके लिए रास्ता बनाया गया था वह व्यक्तिगत रास्ता चाहता था। इसी वजह से अगला पक्ष रास्ता देने को तैयार नहीं था। अगले पक्ष का कहना था कि जब इस रास्ते से सभी लोग लाभ मिलेगा तभी रास्ता दिया जाएगा। तो क्या इस सुलह से दोनों पक्ष के लोग सहमत हैं? हाँ, दोनों पक्ष से लोग इससे सहमत हो गए। महारानी दीन को भी रास्ता मिला, महारानी दीन सरोज को और गुड्डू पाल को भी रास्ता मिला। तो जो तीसरा पक्ष था जिसने रास्ता दिया था, जलालुद्दीन के लड़के इसरार वगैरह, ये सब बसपा नेता आरिफ खान की मौजूदगी में सुलह समझौता के लिए तैयार हो गए। और इसमें विधायक विश्वनाथगंज डॉक्टर आर के वर्मा ने भी सुलह समझौता के लिए बहुत सहयोग किया। और सभी को मिलाकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं की आपसी जुगलबंदी की वजह से यह संभव हो पाया। अगर सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता वहां पर नहीं पहुंचते तो स्थिति कुछ दूसरी भी हो सकती थी। जी, धन्यवाद।